हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफ्ट स्टडी में। आज हम लोग एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर इन्होंने क्या खास ऐसा लिखा था जो इनको 40 मार्क्स मिले हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स है ये। चलिए आगे हम लोग समझते हैं ये कॉपी किसका है, उनका परिचय पहले समझ लेते हैं। ये है पुरुषोत्तम जी का कॉपी, ठीक है, और इन्होंने हमें भेजा था ये कॉपी टेलीग्राम पर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी कॉपी अपना शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और आपकी कॉपियों के माध्यम से दूसरे लोग भी सीखेंगे। मान लेते हैं आपने कुछ गलती किया है तो दूसरे लोग उनको देखेंगे तो वो उस गलती को दोहराएंगे नहीं, और आपने कुछ अच्छा लिखा है तो उससे वो लोग सीख सकते हैं। ओके, तो इसलिए कॉपी ज़रूर शेयर करें। देखो ये इनको 40 मार्क्स मिले हैं और काफ़ी बढ़िया मार्क्स होता है ये। चलिए आखिर जानते हैं क्या इन्होंने खास लिखा था जो इनको ऐसा मार्क्स मिला है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए थर्ड नंबर पेज में क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन भी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का मैंने वीडियो भी बना दिया है पहले ही और पीडीएफ अपलोड भी है वेबसाइट पर, आप वहाँ से पा सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम में भी इसको कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग लेटर में इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी इस चीज़ को। आते हैं इन्होंने पत्र किस पर लिखा है, ये देखिए, एक अथवा ए, यानी कि अथवा का एक नंबर क्वेश्चन पहले एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन का यही मतलब है, प्रधानाध्यापक को लिखना था, ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखना था पत्र। अब समझ गए तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए यानी कि आंसर इन्होंने क्या लिखा है, लिखा है पहले यहाँ पे अपना एड्रेस, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने लिखा है, देखिए ये तारीख, और फिर लिखा है सेवा में प्रधाना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली पिन कोड, ठीक है। तो सेवा में, तो ये एक लेटर है प्रधानाचार्य के पास। अब जिन लोगों के मन में डाउट था कि प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को लेटर कैसे लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं और इसमें भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए क्या इन्होंने लिखा है आगे, विषय बुखार होने के कारण चिकित्सा अवकाश हेतु पत्र। अब यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन किया है एग्जामिनर ने, ठीक है, अंडरलाइन ये इस तरीके से किया है। तो अंडरलाइन का यहाँ पे स्पष्टीकरण कुछ क्लियर नहीं है कि क्यों किया गया है। तो हो सकता है, देखिए हेतु पत्र, ये पत्र नहीं, यहाँ पे आवेदन लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है, क्योंकि आप अनुरोध करें या फिर अनुरोध ही लिखिए, ठीक है, पत्र नहीं लिखिए, अनुरोध लिख दीजिए इसके जगह पे, वो सही रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ें तो फिर इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है महोदय, क्योंकि पहले ही प्रधानाध्यापक महोदय लगा चुके थे तो इसलिए महोदय लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो महोदय सविनय नम्र निवेदन है, अच्छा सविनय भी और नम्र भी ये ठीक नहीं है, सविनय निवेदन है ये सही रहेगा, और या तो फिर नम्र निवेदन है, दोनों में से कोई एक लिखिए बेस्ट रहेगा। है कि मैं राजेश आपके विद्यालय उच्चतर माध्यमिक का कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, यहाँ तक ठीक है, मैं एक अनुशासित तथा नियमित छात्र हूँ, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है इनका। और इसके बाद इन्होंने देखिए पैराग्राफ चेंज किया है, और चेंज करने के बाद फिर इन्होंने लेफ्ट से स्टार्ट किया है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे एक वर्ड का स्पेस छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो ये भी सही है, और लेफ्ट से लिखें तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए मेन जो बॉडी पार्ट है इनमें इन्होंने क्या लिखा है, पिछले कई दिनों से गर्मी बहुत गिर रही है, इस गर्मी से मनुष्य तथा जीव जंतु सभी परेशान हो रहे हैं। अच्छा अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पिछले कई दिनों से गर्मी बहुत गिर रही है, बहुत पड़ रही है, ठीक है, गर्मी बहुत गिर रही है नहीं, बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा शब्दों का सुधार होने की ज़रूरत है। और देखिए बहुत का स्पेलिंग थोड़ा आपका गलत है, बहुत जो है इस तरीके से होता है, तो ये ध्यान रखें। अब मैं छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ क्योंकि पीछे जो कॉपी आरटीआई की आई थी 2017 वाली मैंने दिखाया था, उसमें देखा था कि काफ़ी बारीकी से चेक किया गया था कॉपी को। तो ये तो ठीक है सीजीएल का ये पेपर नहीं है, फिर भी कई एग्जामिनर मिल जाते हैं जो आपकी छोटी छोटी बारीकियों को भी पकड़ते हैं। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी से उसमें सुधार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, गिर रही है नहीं,
पड़ रही है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बहुत पड़ रही है, और जीव जंतु सभी परेशान हो रहे हैं यहाँ तक ठीक है। मैं भी कल इसकी चपेट में आ गया, जिसके कारण मुझे हैजा बुखार तथा शरीर में पानी की कमी से डॉक्टर ने 2-3 दिन आराम करने को कहा है। पानी की कमी से डॉक्टर ने 2-3 दिन आराम करने को कहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्या हो सकता था इसमें, पानी की कमी से, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं आपने कि तथा शरीर में पानी की कमी से जूझ रहा हूँ इस तरीके से, और फिर डॉक्टर ने पूर्ण विराम देने के बाद डॉक्टर ने मुझे 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी है, ये सही होता। हालांकि ठीक है, ये भी गलत नहीं है आपने लिखा है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते तो और बढ़िया होता। ठीक है, आगे देखिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2-3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। जितना शीघ्र स्वस्थ होते ही, अच्छा जितना शीघ्र स्वस्थ होते ही मैं विद्यालय आऊँगा, तो जितना शीघ्र हो सके मैं स्वस्थ होते ही विद्यालय आऊँगा, सही है, आपकी अति कृपा होगी। तो इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए इन्होंने फिर क्या लिखा है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य राजेश, कक्षा 11वीं। अब एक चीज़ आपको बता दूं दोस्त, कि आप इस तरीके से ये वाला टर्म यूज ना करें, क्योंकि ये UFM के तहत भी काउंट हो सकता है अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट निकल गया तो। ठीक है, तो इसलिए कोई भी आपको डिटेल नहीं भरनी है, ये UFM के तहत आ सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सा खड़ूस टाइप हुआ ना, तो फिर ये यहाँ पे गड़बड़ कर सकता था। ठीक है, आपको यहाँ पे 40 नंबर मिले हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर है। और देखिए इन्होंने इनके पत्र में क्या विशेष बात लिखा है एग्जामिनर ने, उत्कृष्ट पत्र। उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब कि गुड, बेटर, बेस्ट में जो बेस्ट होता है वो है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट है यानी कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा एग्जामिनर को, और फॉर्मेट सब कुछ सही था आपका, कुछ एक दो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बताया, UFM आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपने 11वीं का प्रयोग किया है तो ये भी नहीं करिएगा। ठीक है, ये भी नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा UFM का खतरा हम लोग क्यों लें। ठीक है, अगर मान लेते हैं जहाँ पे आपको 40 मिला है, UFM के तहत अगर इसको यही 0 मिल जाता तो बहुत बुरा होता, इसलिए हम लोग भले एक नंबर कट जाए लेकिन ये सभी चीज़ें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को भी ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि कहाँ पर क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो जैसा आपको लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास भी कोई RTI कॉपी है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय।